दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं रोहित शर्मा को मुंबई के कप्तान फिर से बना दिया जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों राजस्थान से बुरी तरह से मैच हारने के बाद रोहित शर्मा का गुस्सा हार्दिक पांड्या के घटिया कप्तानी पर कुछ ऐसा गरजा कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे और इस बात का ऐलान कर देंगे कि रोहित शर्मा को ही मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाना चाहिए। दोस्तों आखिरकार हार्दिक पांड्या को घटिया कप्तान बताकर इतनी बड़ी हार का पर क्या बोले मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, उनके बयान का पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से वोट कराया जाए कि आप रोहित शर्मा को कप्तान बनाना चाहते हैं या हार्दिक पांड्या को, आप किसे चुनेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों मुंबई इंडियंस के टीम 2024 के मैच में अजीब हरकत की तरह नजर आए, जो कि पहली मैच जीत की तरस रहे थे लेकिन कुछ मैच में वापसी किए और जब राजस्थान के सामने पहुंचे तो राजस्थान ने तो उसकी असली औकात दिखा दी। मुंबई की टीम की तरफ से जो भी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आ रहा था उसे पवेलियन की रास्ता राजस्थान के बॉलर दिखा दे रहे थे, जो कि मुंबई टीम की 10 रन से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव सबके दायरे के अंदर आउट हो गए। 3 विकेट मुंबई की मात्र 20 रन पर गिर गए। इसके बाद लड़खड़ाते मुंबई के बल्लेबाज नवीन 23 रन बनाए लेकिन बाकी खिलाड़ी 3 शून्य पर आउट हो गए, जो कि 1-2 रन पर आउट हो गए थे। यानी 180 रन का टारगेट राजस्थान की टीम को उनके घर पर दिया। जब राजस्थान मैदान पर बल्लेबाजी प्रदर्शन करने आए तो 6 ओवर में ही 18 रन जसवाल के थे और 18 बॉल पर 28 रन बटलर के, क्योंकि भाई अगले को रन रेट मेंटेन रखना है तभी उन्हें शानदार जीत होगी। बीच में बारिश ने आकर थोड़ी देर तक अफरी तफरी जरूर मचाई लेकिन जब मैच शुरू हुआ तब मुंबई के बॉलर एक भी विकेट नहीं ले पा रहा था, जो कि एक विकेट जॉस बटलर का क्राली ने लिया। लेकिन यशस्वी जायसवाल 60 गेंदों में 104 रनों की पारी खेली, वहीं जॉस बटलर 25 गेंदों में 35 रनों की और संजू सैमसन ने तो 28 गेंदों में 38 रन की पारी खेलकर 180 रन का लक्ष्य भेदकर 183 रन बना डाले और 9 विकेट से राजस्थान मुंबई के खिलाफ शानदार मैच जीत लिया। इसी तरह के मैच हर एक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।